आप हमारे युवा पंचायत अध्यक्ष जी के फादर साहब है, मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे बीच आए, बेशकीमती समय निकाला उन्होंने। अभी आपने 305 जीवो भी खरीदा है, धन्यवाद। पर मैं चाहूंगा कि आज नितिन जी की बात को मोहर लगाने के लिए चंद्रार जी मंच पर जरूर आएंगे। आज नितिन आपको बहुत बड़ा सॉल्यूशन देता हूं, इसमें आपने जो बात कही है मैं आपको बता दूं कि क्या आदरणीय जिला अध्यक्ष के जो हमारे जिला पंचायत के फादर साहब महकार जी है, उन्होंने भी ये ट्रैक्टर खरीदा और कैसे खरीदा है, जो हमारी कंपनी ने भी किसानों की बचत की बात जो कर रही है, हम बताएंगे कैसे आपको बचत हमारी कंपनी ने भी इस काम में किसानों की मदद के लिए क्या शुरुआत की है। जीवो की मैं बात कर रहा हूं आपसे, जीवो अब आपके सामने जीवो पेश है, 20 HP 25 HP 27 HP आपके पास 4-wheel drive 2-wheel drive मौजूद है। आगे चले, ये ट्रैक्टर का मार्केट का बहुत है भ्रमित हुआ जा रहा है किसान। बात यह है कि जब ट्रैक्टर में तीसरी बार मिट्टी चढ़ती है तो उसको ट्रैक्टर की खिंचाई की जरूरत होती है, ट्रैक्टर खींचने के लिए बना था जब बना था, इसीलिए इसका नाम ट्रैक्टर पड़ा था, खींच लो कहते हैं ट्रैक्शन। तो पावर के नाम पर जो लोग आज भ्रमित करते हैं, आवाज कम है, अरे भाई हमको खेत में ट्रैक्टर चलाना है, खेत में जितनी ट्रैक्टर की आवाज चाहिए उतनी तो होगी, अगर नहीं होगी तो कार के साथ लग के आप खड़े हो जाइए तो आपको बिल्कुल आवाज भी नहीं मिलेगी। तो वो काम हमें कार का मतलब है दौड़ना, और खेत में किसान का ट्रैक्टर का मतलब है खींचना। तो सबसे ज्यादा पावर आपको मिलेगी इसके अंदर 1489 CC किसी ट्रैक्टर में नहीं है, सेकंड के अंदर सब 1200 से नीचे खत्म हो जाते हैं। आगे चलिए, मैं आपको बता रहा चलो 89 इसमें MM है, सब 70 से नीचे खत्म हो जाते हैं। दादा जी एक चीज पूछना चाहता हूँ, टॉर्क भी है, पावर भी है, सीसी भी है। एक चीज पूछना चाहूंगा, इसका 89 टॉर्क है तो इसको खिंचाई बहुत जबरदस्त होगी। बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूंगा, दिखाइए, चलिए। ये चंद्रार जी के सुपुत्र साहब ने जो वीडियो हम भेजी है वही है, देखिए किस तरह टर्निंग कर रहे हैं वो गीले में भी ताकत सी है सीवे ट्रैक्टर। पहले ये देखिए कैश ऑफ हिसाब से कंपनी से मतलब ये आज 15 HP से लेकर 75 HP तक के ट्रैक्टर
सिवाय महिंद्रा के और किसी कंपनी के नहीं है। ये किसानों से मतलब लगातार वार्ता करते हैं, उनसे पूछते हैं, जो उनकी जरूरत है उसे पूरा करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, फिर दोबारा से धन्यवाद दे रहा हूँ किसान के। मैं चंद्रराज जी से बताऊंगा कि कैसे कैश क्रॉप लेना है, क्योंकि थोड़ा ज्ञान है किसानों। ये मैंने 15 HP, जब कोई ट्रैक्टर किसी कंपनी का ट्रैक्टर नहीं था, सबसे पहले महिंद्रा 15 HP से मैंने ट्रेंच विधि से खेती स्टार्ट की, और 15 HP से हमने कितनी मेहनत की। तब मिट्टी चढ़ाते थे उसमें, उसके साइलेंसर में वो आग निकलती थी, जब कोई ऑप्शन था नहीं, छोटे ट्रैक्टर और बड़े ट्रैक्टर नहीं थे, मिट्टी चढ़ाने का भी प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं। जी मैं पूछना चाहूंगा आपसे, माफी चाहता हूँ, लेकिन आपको कैसे कैसे खेती का फायदा हुआ, गन्ना कैसे आपने बढ़ाया, गन्ने का वेट कैसे बढ़ाया, कैश क्रॉप आपने कैसे ली? ट्रेंच विधि का ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर, छोटे एप्लीमेंट्स मेहता जी ने उपलब्ध कराए, ट्रेंच विधि की बात तभी से ट्रेंच विधि की खेती शुरू करी। ट्रेंच विधि का लाभ एक थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जब भाई मेहता जी कह रहे तो मैं आप लोगों को 5 मिनट तो लगेंगे। और हम शादी विधि का गन्ना बोते हैं और लगभग 6-7 क्विंटल बीज डालते हैं, हम 7 क्विंटल बीज डालते हैं, जो अब 5 रुपए हम गन्ना बो रहे ट्रेंच विधि का, 1 क्विंटल बीज चलता है, 1 क्विंटल में मिलती है हमारी 1100-1200 आठ ही तो काम करेंगी भाई, गन्ने की आठ ही तो जमती है, तो वो 6 क्विंटल बीज चल रहे हैं, वो डल रहे हैं 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में हमें 1100-1200 आग मिल रही है, और 5 क्विंटल की हमें बचत है, 1 बीघे में 5 क्विंटल की हम बचत कर रहे हैं, 5 क्विंटल बीज हमारा बचा, और 5 क्विंटल लगभग बैठता 1700-1800-2000 रुपये का ये बचत। दूसरी बचत गन्ने, जब हमें उसमें गन्ने की संख्या जो है 1 बीघे में लगभग 4000 के आसपास होनी चाहिए, हमने बो तो लिया 6 क्विंटल, 6600 हमने गन्ने तो आग तो डाल दी उसमें 6600, लेकिन वो कितना जर्मिनेशन कितना होता है उसका 40-45%, और जो हम 1 क्विंटल गन्ना डालते हैं उसका जर्मिनेशन होता है आपका 80-85% या 90% जर्मिनेशन होता है, तो हम जो गन्ना फालतू डाल रहे हैं वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, उसे मिल में सप्लाई करें उसके हमें उसे पैसे, हमें 2 पैसे बचे उससे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें बीज कम लगता है और कोदों की संख्या बराबर, मतलब उसमें ज्यादा जमते हैं, जो हमने डाले हैं 6 क्विंटल बीज डाला उसमें कोदों की संख्या तो ज्यादा होगी, लेकिन आगे चल के क्या होता है वो सब खत्म हो जाते हैं, उसमें जो कोदों की संख्या ये जितने होते हैं ये लगभग 4000 एक बीघे में बनते हैं, और लगभग 2 किलो का गन्ना तो 80-100 क्विंटल के बीघे का आसपास उत्पादन देता है ये, और वो भी अगर 100 क्विंटल का भी, अगर 80 क्विंटल का भी आपने शादी विधि का निकाले तो इसमें लगभग 3-4 हजार रुपए की हमें प्रॉफिट होता है, गन्ने की बधाई से बचते हैं, और हमारा बीज कम लगता है, और जो खाद बीज दवा वो भी सब कम लगती है, लेबर कम लगती है। इसमें अगर अक्टूबर सोइंग कर रहे हैं तो इसमें आलू बो सकते हैं, सरसों बो सकते हैं, मटर बो सकते हैं, जो हमारी मतलब सह फसली है हमारी, मार्च अप्रैल में आप गन्ना बो रहे हैं तो उसमें सह फसली कोई ऐसी फसल नहीं है जो हम 60 दिनों से निकाल सके, हालांकि 60 दिन में भी हमारे एक नंदकिशोर भाई है वो उसमें टमाटर मिर्च ये मतलब ये चीज सब बो रहे हैं, लेकिन ज्यादा मतलब वो नहीं है इसमें, अगर अक्टूबर में लोग उसमें सितंबर अक्टूबर में गन्ना बोने तो सह फसली हो सकती है इसमें, और किसान की आमदनी है ट्रेंच विधि का, और सबसे अच्छी बात ट्रेंच विधि का ये है, चलो ये तो पैसे, लेकिन सबसे अच्छी बात है जो पानी जो सीमित है, जो आगे आने वाले समय में जो हमारे जो वैज्ञानिक है जो पहले ऋषि मुनि वो भी कह के कहेंगे पानी आगे कम होता जा रहा है, ट्रेंच विधि में पानी की जो सबसे ज्यादा बचत है वो ट्रेंच विधि का सबसे ज्यादा लाभ है कि पानी बहुत कम लगता है इसमें। धन्यवाद बहुत बहुत चंद्रराज जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपको जवाब मिला किसान की आमदनी बढ़ाने का, साहिल जी का आपको आमदनी बढ़ाने के लिए बदलाव की कुछ बात हम आपको बता पा रहे हैं किसान भाइयों को? मैंने पहले 215 यूज किया, फिर 245 किया, 305 किया, 305 245 से इसका तेल का खर्च बहुत कम है, मैंने मिट्टी चढ़ाई है लगभग, मैं समझता हूँ 5000 रुपए का डीजल तो मिट्टी चढ़ाने में कम हुआ मेरा, मैंने एक बचत की बात कर रहे हैं वहाँ से, जो नई टेक्नोलॉजी 305 जो है ये बहुत अच्छा ट्रैक्टर, इसकी मतलब आपका डीजल खर्च बहुत कम है इसका और चलाने में आसान है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। और ट्रैक्टर तो आप इस सेगमेंट में ट्रैक्टर तो आप कोई भी ले लेंगे बाजार के अंदर, लेकिन क्या आपको ये सब चीजें देगा?
अच्छा वो टोट वाली बात, टोट की जो मैं आपसे 89%, हाँ बिल्कुल आपको 89% की बात कर रहा हूँ। कमाई बढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत लोग आज